के फ्रेंड्स तो हम अपनी लैब पर आ गए हैं और अब हमें डेटाबेस की लैब करनी है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेसिस पर। राइट, तो आपने एसक्यूएल डेटाबेसिस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आपको फेवरेट्स में ये नज़र नहीं आ रहा है तो आप ऑल सर्विसेज में जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं। राइट, तो अभी हम चलते हैं एसक्यूएल डेटाबेसिस पर, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट एसक्यूएल डेटाबेस। राइट, तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे बना रहे हैं, इसके बाद मैं आपको एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में भी ये डेटाबेस बना के दिखाऊंगा और फिर उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा एज्योर के साथ। राइट, तो आज एसक्यूएल की कंप्लीट लैब हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। आई विल ट्राई कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है, तो DB1 इसका नाम दे देते हैं। सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल ही रहेगा। रिसोर्स ग्रुप एक नया बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं RGDB। राइट, ये इसको नाम दे देते हैं। उसके बाद जो आपको डेटाबेसिस हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ब्लैंक डेटाबेस, सैम्पल डेटाबेस और बैकअप डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक सैम्पल डेटाबेस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप ब्लैंक डेटाबेस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। राइट, तो रिकमेंड किया जाता है ब्लैंक डेटाबेस, क्योंकि उसी में आपको काम करना होता है। और डेटाबेस जो होता है वो किसी सर्वर में बनता है, बिना सर्वर के आप डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको एक सर्वर भी चाहिए होगा। या तो ये है कि आप पहले से एक सर्वर बना लें। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको अगर मैं ऑल सर्विसेज में जाऊँ तो यहाँ पे सर्वर का भी ऑप्शन होगा, डेटाबेस सर्वर। राइट, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ डेटाबेस सर्वर। वेयर इज डेटाबेस सर्वर? एसक्यूएल सर्वर, जस्ट अ मिनट, एसक्यूएल SQL सर्वर। तो यहाँ पे आपने पहले ये सर्वर क्रिएट करना है, फिर आपने डेटाबेस बनाना है। राइट, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट डेटाबेस बनाएंगे तो यहाँ पे ये आपको सर्वर का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर ही आप सर्वर भी क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे नाम दे दें DB Server 1, DB Server 1 आप इसको नाम दे दें। और ये अवेलेबल है क्या? नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको नाम दे दें 18। तो ये अवेलेबल नहीं, अरे ये भी अवेलेबल नहीं, 187, ये अवेलेबल है। राइट, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप वही रखें जो आपको याद रहे। तो मैं तो हमेशा यही रखता हूँ, तो आप भी यही रखें, Administrator 1, और पासवर्ड में पासवर्ड यही रहेगा जो मैं रखता हूँ हमेशा से, password@1 2 3। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। और ये सर्वर मैं सेंट्रल इंडिया में क्रिएट कर लेता हूँ, चलो, और बाकी सब बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। फ्री ट्रायल अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। राइट, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो सर्वर मेरा क्रिएट हो जाएगा। इस सर्वर के क्रिएट होने के बाद ये पूछेगा आपसे कि वांट टू यूज एसक्यूएल इलास्टिक पूल, नॉट नाउ आप कर दीजिए। प्राइसिंग टियर में स्टैंडर्ड रख लीजिए, हालांकि बेसिक भी होता है बट वो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक हो जाएगा। रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप स्टैंडर्ड तो लीजिए। राइट, यहाँ पे ये आपको प्राइसेस भी दिखाएगा। देखिए, अगर आप DTU को कम ज़्यादा करते हैं तो ये आपको प्राइसेस भी दिखाने लगता है, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी दिखाता है, उसके हिसाब से ये आपको प्राइसिंग भी दिखाने लगता है। यहाँ पे नोट नाउ कर दो, और ये देखिए ये प्राइसिंग आ गई। अगर मैं ये DTU लेता हूँ तो मेरी प्राइसिंग आ रही है 11,341। अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा तो देखिए मेरी प्राइसिस भी बढ़ जाएगी, मेरी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 22,000 पर मंथ। राइट, तो यहाँ से आप अपनी प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये कह रहा है यू आर यूजिंग अ फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन विच इज लिमिटेड टू परफॉर्मेंस लेवल नॉट हायर देन S1। राइट, तो भैया आप मुफ्त वाले लोग हैं, आप ज़्यादा हाथ पैर ना चलाएं। ठीक है, मुफ्त वालों को इतना ही मिलता है तो इतना ही कर देते हैं हम लोग। राइट, अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। राइट, तो ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हो रहा है। एक बार ये क्रिएट हो जाए फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो मेरा डेटाबेसिस डिप्लॉयमेंट हो चुका है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो मुझे मेरा डेटाबेस नज़र आ रहा है। राइट, और मैं अगर इस डेटाबेस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ओवरव्यू में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसका स्टेटस ऑनलाइन है, रिसोर्स ग्रुप भी दिखाएगा। ये इसका सर्वर नेम है जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि इसी की हेल्प से अब मैनेजमेंट स्टूडियो में हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। राइट, तो यहाँ पे बाकी एक्टिविटी लोग हैं, टैग्स हैं, इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। राइट, आप कॉन्फ़िगर पे जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में आपको नज़र आएगा, आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट, तो
यहाँ पे आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप दोबारा से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे सिंक टू अदर डेटाबेसिस करना चाहते हैं, दूसरे डेटाबेसिस के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। थ्रेट प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो करके दिखाता हूँ वो सीधा सी कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ इस डेटाबेस की मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ, और वहाँ चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस हमें यहाँ नजर आएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं अपने सिस्टम पे चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। दोस्तों अगर ये अभी आपके सिस्टम में नहीं है और आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो मेक श्योर कि लैब करते टाइम ये पहले आप डाउनलोड कर लें। कैसे आपने डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, यहाँ आप लिखें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट। तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। जैसे ही आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्लिक करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको लिंक देगा, उस लिंक से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें। थोड़ी सी बड़ी फाइल है, आई थिंक 400 के आसपास है, 400-500 MB के आसपास की फाइल है, बट ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इस लैब को आप आगे करेंगे, राइट। तो आपने ये पहले इंस्टॉल करना है इस लैब को करने से पहले। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप अपने सिस्टम पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार ओपन हो जाए, ओके, तो ये ओपन हो गया है। और अब ये सर्वर नेम मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी सर्वर नेम कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको सर्वर टाइप में डेटाबेस इंजन ही रखना है, और ऑथेंटिकेशन में एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करना है। लॉगिन में, क्योंकि मैंने वहाँ सर्वर का जो यूजर नेम दिया था वो एडमिनिस्ट्रेटर 1 दिया था, और जो पासवर्ड दिया था वो दिया था पासवर्ड @123, तो वो मुझे यहाँ टाइप करना है। और आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने जब एसक्यूएल सर्वर बनाया था तो वहाँ पे दिया था, राइट। और ये जो सर्वर नेम है ये भी वही सर्वर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये रहा सर्वर नेम। तो यही सर्वर नेम मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडियो में पेस्ट किया है, राइट। तो ये सब करने के बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। यू आर नॉट साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो ये एक बार आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो आप साइन इन कर लीजिए, राइट। ओके, तो ये साइन इन हो गया है, मैंने पासवर्ड से साइन इन कर लिया है। यहाँ पे फायरवॉल रूल में क्लाइंट आईपीस ने ऐड कर लिया है, इसको ओके कर देते हैं, और ये मेरा साइन इन हो गया है, राइट। तो मैं अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पे आ गया हूँ, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी आप देखिएगा, मैंने जो मेरा डेटाबेस सर्वर जो एसक्यूएल एज्योर पे मुझे है वो मैं उस सर्वर से कनेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेसिस में भी आप देखिएगा, डेटाबेसिस में मुझे वही डेटाबेस नजर आएगा जो मैंने वहाँ बनाया था DB1, राइट। ये देखिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं न्यू डेटाबेस भी क्लिक कर सकता हूँ, एक नया डेटाबेस अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो। चलिए एक बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं इसको न्यू डेटाबेस, राइट। तो न्यू डेटाबेस इसको नाम दे देते हैं, ऑनर को डिफॉल्ट रखते हैं, और हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हालांकि इसे क्रिएट होने में काफ़ी टाइम लगा है, लगभग 10 मिनट के आसपास लग गए हैं। तो अगर आप ये लैब करें तो थोड़ा पेशेंस रखें, हो सकता है आपको भी नया डेटाबेस बनाने में थोड़ा टाइम लगे, राइट। लेकिन ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसे क्रिएट होने के बाद हम चेक करते हैं हमारे एज्योर पोर्टल पे, क्या हमें वहां भी नजर आ रहा है। जी हाँ, मुझे यहाँ पर भी ये नजर आ रहा है न्यू डेटाबेस के नाम से। देखिए मैंने ये मैनेजमेंट स्टूडियो में क्रिएट किया, लेकिन ये मुझे वहां पर भी नजर आ रहा है, राइट। सो दिस इज मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी चीज है इसकी, ओके, कि आप अपने सिस्टम पे जो भी करेंगे, क्योंकि मैंने जिस सर्वर से कनेक्ट किया है वो मेरा एज्योर का ही सर्वर है, तो मैं जो भी चेंजेस यहाँ करूंगा वो बाय डिफॉल्ट वहां पर हो जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये डेटाबेस है, मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी ये एक्सपेंड हो रहा है, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे मुझे टेबल नजर आ रही है, मैं इस टेबल को भी एक्सपेंड करता हूँ। फेल टू कनेक्ट टू सर्वर डेटाबेस, कनेक्शन वॉज सक्सेस बट देन एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द लॉग इन प्रोसेस। आई थिंक नेटवर्क एंड इंटरनेट स्लो है मेरा, इसलिए ऐसा कुछ इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट, टेबल्स में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। नहीं हो रहा है ये, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें। आई थिंक इसको एक्सेस करने में आने नहीं चाहिए वैसे। न्यू टेबल, नॉट रेस्पॉन्डिंग ये दिखा रहा है, देखिए। तो मेरा ये मैनेजमेंट स्टूडियो, एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है उसकी वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो फेल टू कनेक्ट दिखा रहा है ये। तो एक काम करते हैं, हम दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, रिमेंबर पासवर्ड पे भी क्लिक कर देते हैं और कनेक्ट करते हैं, राइट? तो देखते हैं क्या इस बार ही प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये लॉगिन हो गया है। नाउ दोबारा से चेक करते हैं टेबल्स में जाके, तो ये सिस्टम टेबल दिखा रहा है, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये ओपन हो जाएगा। एक्सपेंड नहीं हो रहा है। डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, राइट पे जाते हैं और टास्क में न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। न्यू डेटाबेस तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मैं आपको नई टेबल क्रिएट करके दिखाने की सोच रहा था। तो यहाँ पे राइट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं। तो ये देखिए, टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ कॉलम नेम में दे देता हूँ नेम, और डेटा टाइप करेक्टर रखते हैं, फिर आते हैं एज पे, नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे देते हैं एज, यहाँ पे इसको रखते हैं न्यूमेरिक, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ रखते हैं लोकेशन, इसको देते हैं हम लोग एन करेक्टर ही दे देते हैं, और फिर आते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, इसको भी करेक्टर दे देते हैं, करेक्टर नहीं न्यूमेरिक सिर्फ देना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिक दे देते हैं। ये चार मैंने अपने टेबल के अंदर चार कॉलम बनाई हैं, राइट? और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, राइट? तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टेबल एम्प्लॉय, ओके, और इस पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक टेबल बना दी है, एक टेबल मैंने क्रिएट की है इन चार चीज़ों के साथ। इसके बाद अब टेबल में मुझे एंट्रीज करनी है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, टेबल के अंदर मुझे नया नज़र आएगा, टेबल एम्प्लॉय के नाम से मुझे नज़र आना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है डेटाबेस टेबल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस पर जाने के बाद, और यहाँ पे एडिट टॉप 200 रोज पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट? तो अब मेरे को इसमें एंट्री करने का ऑप्शन भी आएगा। मैंने ये जो नेम, एज, लोकेशन, कॉन्टेक्ट रखा है, इसमें मैं लोगों की डेटाबेस एंट्री मैं करूंगा, राइट? तो वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभी नल आ रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं भूपेंद्र, राइट? और एज देते हैं 30, लोकेशन देते हैं इंडिया, और कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं 9899808090, राइट? और यहाँ पे एक और नाम देते हैं, राइट? तो यहाँ पे देते हैं अमित, और यहाँ पे एज देते हैं 27, लोकेशन देते हैं इंडिया, और कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं कुछ भी दे दो आप, राइट? उसके बाद यहाँ पे एक और नाम लेते हैं, और यहाँ पे नाम देते हैं इसको विकास, और
यहाँ पे नाम देते हैं 35, यहाँ पे नाम देते हैं नेपाल, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर देते हैं राइट। और उसके बाद एक और नाम देते हैं, ये नाम होगा विशाल, एज देते हैं 28, कंट्री देते हैं नेपाल, और ये देते हैं 7889898989, यहाँ पे देते हैं रॉबर्ट, एज देते हैं 45, कंट्री देते हैं यूएसए, और ये देते हैं 7876। तो ये मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे एंटर की हैं, और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे सारी एंट्रीज को राइट। तो ये मेरी सेव हो गई हैं, तो मैंने अब ये टेबल में सेव कर दी हैं राइट। तो अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं इन एंट्रीज को देख भी सकता हूँ फ्यूचर में। अगर आप यहाँ टेबल पे जाएंगे, इस टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और दिखाएंगे सिलेक्ट टॉप 200, टॉप 100 या 1000 रोज, तो ये आपको शो कर देगा आउटपुट में। तो अभी आपको आउटपुट दिखेगा, देखिए ये क्वेरी चल गई है ऑटोमेटिक, और नीचे आपको आउटपुट नजर आएगा। देखिए ये आपने एंट्रीज डाली थी और ये उनके नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, डेटाबेस में से इसने आपको आउटपुट दे दिया। तो ये अभी मैंने 4-5 एंट्री की है, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लाख एंट्रीज हैं, और उन 5 लाख में से आपको कोई स्पेसिफिक एंट्री चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्वेरी चला के उसको ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका आउटपुट आप ले सकते हैं राइट। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है माइग्रेशन की, यार जो मेरे ऑन प्रीमिसेस या जो डेटा मेरे ऑन प्रीमिसेस उसमें पड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, उसे मैं क्लाउड पे माइग्रेट करना चाहता हूँ। तो हर बंदे का सवाल जो होता है वो यही होता है कि यार उसे क्लाउड पे माइग्रेट करना सिखाओ। तो यार बड़ा आसान है, कोई भी डेटाबेस अगर आपने क्लाउड पे माइग्रेट करना है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, ये तो खैर इसके अंदर है। अगर आप सपोर्ट DB1 है, आपने इसको माइग्रेट करना है, तो आप टास्क पे जाएंगे, और टास्क में जाने के बाद आपने करना है डिप्लॉय डेटाबेस टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस राइट। आपने इस पे करना है और वो डेटाबेस आपका माइग्रेट हो जाएगा क्लाउड के ऊपर राइट। तो अभी तो हम लोग ऑलरेडी क्लाउड के साथ कनेक्टेड हैं, बट अगर कोई डेटाबेस आपका ऐसा है जो क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, क्लाउड पे नहीं है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, टास्क पे जाना है, और डिप्लॉय डेटाबेस टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये बोलेगा दिस विजार्ड विल हेल्प यू डिप्लॉय योर डेटाबेस टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस। यू मे ऑल्सो यूज दिस विजार्ड टू डिप्लॉय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस टू ए लोकल इंस्टांस ऑफ SQL सर्वर और टू मूव ए डेटाबेस फ्रॉम वन इंस्टांस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस टू अनदर राइट। तो आप यहाँ से यहाँ इसको मूव कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सर्वर कनेक्शन देना है आपको, तो कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, अपने आप ही सर्वर उठा लेगा राइट। हमें पासवर्ड बस एंटर करना पड़ेगा, पासवर्ड @123, आपने कनेक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने जो भी डेटाबेस माइग्रेट किया है तो उसका नाम भी आप बदल दीजिए ताकि वहां पे पता चल जाए, माइग्रेटेड डेटाबेस राइट। तो ये मैंने इसको नाम दिया है, तो यहाँ का डेटाबेस वहां जब जाएगा तो वो माइग्रेटेड डेटाबेस के नाम से आपको नजर भी आएगा राइट। तो मैंने उसका नया नाम दे दिया है, माइग्रेटेड डेटाबेस, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये माइग्रेट होके मुझे एज्योर पे नजर आता है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी अगर आप जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है राइट। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, बट आप देखिएगा जब ये माइग्रेट हो जाएगा तो आपको ये डेटाबेस भी वहां नजर आएगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस माइग्रेट होता है या नहीं होता है। ओके, ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हो गया, परफेक्ट, फिनिश पे क्लिक करते हैं। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 7 मिनट के आसपास का टाइम लगा है, 5-7 मिनट का। तो ये कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और चेक करते हैं कि क्या मुझे मेरे एज्योर पे अब ये माइग्रेटेड डेटाबेस नजर आता है। रिफ्रेश करके देखते हैं,
परफेक्ट, मेरा डेटा माइग्रेट हो चुका है वहां से यहाँ पे एज्योर के ऊपर, राइट। प्राइसिंग टीयर इसका बेसिक है क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, और ये मैंने माइग्रेट किया है और ये भी स्टेटस इसका ऑनलाइन मुझे नजर आ रहा है, राइट। सर्वर होगा, इसका सर्वर नेम आ रहा है डीबी सर्वर, वही है जो मेरा पहले सर्वर था, सारी चीजें वही हैं। तो अभी हालांकि इस डेटाबेस में कुछ है नहीं, बट अगर कुछ होता तो वो सब कुछ माइग्रेट हो गया होता। ये लैब आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे माइग्रेशन की, और मैंने इसी लैब के अंदर पूरा एसक्यूएल समझाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी इसमें की जा सकती हैं, जैसे सिक्योरिटी में अगर आप जाएंगे तो सिक्योरिटी में आप लॉगिन्स की अगर बात करेंगे तो लॉगिन्स पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे न्यू लॉगिन बना सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी और यूजर के लिए न्यू लॉगिन बना के देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर 433, और विद पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ, और पासवर्ड मैं इस पे लगा देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड इसको लगा देते हैं पासवर्ड @123, राइट। और पासवर्ड मैंने लगा दिया और गो कर दिया, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो ये मेरा एक और यूजर बन गया, user433। मैं इससे भी लॉग इन कर सकता हूँ और मेरा पासवर्ड रहेगा password@123। तो सिक्योरिटी में जाके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आप नए नए लॉग इन्स बना सकते हैं, नए यूजर बना सकते हैं, आप कनेक्ट में जाके यहाँ पर भी काफी सारे काम कर सकते हैं। बट अभी मैं वो सब कराना नहीं चाहता आपको, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था माइग्रेशन कराना, कि डेटा का माइग्रेशन कैसे होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो हमने इस लैब में करके देखा है। बाकी आप बाकी की लैब एक बार आपको बेसिक समझ आ गए, एसक्यूएल स्टूडियो आपको चलाना आ गया, लॉगिन करना आ गया, तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे एसक्यूएल डेटाबेसिस के बारे में स्टडी करिए और छोटी छोटी कमांड्स और एसक्यूएल क्वेरी चला के देखिए, वो आपकी परफेक्ट रन करेगी, राइट। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और जरूर बताएं कि ये लैब्स आपको कैसी लग रही है, मेरी एज्योर की सीरीज कैसे लगी। ऑलमोस्ट हम अपनी इस सीरीज को फिनिश कर चुके हैं, सारी लैब्स हमारी हो चुकी हैं, तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने मेरी ये सीरीज कंप्लीट देखी है, यहाँ तक आप मेरी बात सुन रहे हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने मेरी सीरीज को कंप्लीट देखा है, कितने दिनों में देखा है और कहाँ से आप देख रहे हैं, ये बताना कमेंट में जरूर मुझे आप बताएं, और मैं वेट करूंगा आपके इन सारे जवाबों का, राइट। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।